नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज के इस वीडियो में हम टाटा टियागो और टिगोर में जो सर्विस रिमाइंडर मैसेज आता है उसको रीसेट कैसे किया जाता है वो हम सीखेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले क्या करेंगे हम, जो हमारी की है अगर इंसर्ट की हुई है तो उसको पहले निकालना है और फिर से इंसर्ट करना है दोबारा से और उसको ऑन पोजिशन पर ला के छोड़ना है। उसके बाद दोस्तों हमें क्या करना है, जो हमारा रिमाइंडर का मैसेज आता है हमें उस पर जाना है जहाँ पे 0 किलोमीटर पेंडिंग लिखा आता है सर्विस रिमाइंडर मैसेज यहाँ पे, और फिर हमें सेट बटन प्रेस करना है 15 से 20 सेकंड के लिए, और ये हमें तब तक प्रेस करना है जब तक जो 0 किलोमीटर शो हो रहा है वो ब्लिंक ना करने लग जाए। और दोस्तों जैसे ये ब्लिंक करने लग जाता है तो हमें 2 सेकंड के लिए सेट बटन को फ्री करना है और फिर से प्रेस करना है जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं, और इसे हम दोबारा लगभग 10 सेकंड तक प्रेस करते रहेंगे तो हमारा जो ये रिमाइंडर मैसेज है ये हट जाता है। हम इसको दोबारा चेक करेंगे तो ये हमें कहीं भी नहीं मिलेगा क्योंकि ये हमारा मैसेज जो रिमाइंडर मैसेज है सर्विस का वो हट चुका है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, आने वाली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को प्रेस कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियो का की नोटिफिकेशन मिलती रहे।